अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ है। कहीं ट्रेन फूकी जा रही है तो कहीं चक्का जाम। हालांकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल माहौल शांत था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस मुद्दे पर किए गए अलग तरह के बयान से नई सियासत शुरू हो गई है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने और सेना को युवा करने के उद्देश्य से अग्निपथ योजना की घोषणा की है, तभी से देश में इसके खिलाफ लहर चल रही है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरे देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसी बीच राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने अग्निपथ में होने वाली भर्तियों को लेकर गंभीर आशंका व्यक्त की है। इस मसले पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान अलग ही सियासत पैदा करता नजर आ रहा है। सीएम का कहना है कि एक तरफ दो साल से सेना में भर्तियां बंद हैं, दूसरी तरफ केवल चार साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पूरे देश के युवाओं का भविष्य और सीमाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे कहा, सेना से ट्रेनिंग लेकर बंदूक चलाना सीख कर आया जवान अगर बेरोजगार हो जाएगा तो वो किस दिशा में जाएगा। नंबर दो, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? दो साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और चार साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है? और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है, तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं। केंद्र युवाओं के हित में जो काम करती है उस पर कहीं संशय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की सारी नीतियाँ स्पष्ट है और स्पष्ट होने के बाद में राज्य में क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार मुझे लगता है कि जितना युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्रीय हित में जो योजना बनाती है, काम करती है, उसको लेकर के कहीं संशय की स्थिति नहीं है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आएं और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। ये एक अच्छा प्रयोग इस देश में हो रहा है, अन्य देशों में भी इसी तरीके की परंपरा है। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है, इस देश में हो रहा है, अन्य देशों में भी ये परंपरा है। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर अब अग्निपथ पर अग्निकांड, लगातार केंद्र की योजनाओं का इस तरह से विरोध, ये मोदी सरकार के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं? उम्मीद है कि सरकार ने नौजवानों के भविष्य के लिए यदि सही में योजना बनाई है तो उसको इस मामले को जल्द सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो युवा विरोध के नाम पर देश की संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरत है उन्हें सही तरीके से समझाने की। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।